आज जो हमारी क्लास है वो करुणा रेखी के बारे में है कि करुणा रेखी क्या है। नॉर्मली भी हम लोग रेखी करते हैं, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज होती हैं कि हम जो हमने जैसे अभी लेवल 5 तक हमें रेखी करा, तो लेवल जो हम वो रेखी करते हैं उससे ही रेखी करते हैं या करुणा रेखी करते हैं या और भी कोई, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली बात तो जो हमारी करुणा रेखी जो हमारी नॉर्मल जो हम ग्रैंड लेवल तक जो हमारा रेखी के लेवल 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स जो हम लोग करते हैं, वो हमारी जो होता है ना मेन जड़ होती है, मतलब वो मेन है। बाकी उसपे फिर उसके बाद धीरे धीरे और मास्टर्स ने उसके ऊपर काम करते गए और धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते गए, जैसे कि करुणा रेखी, होली फायर रेखी, मनी रेखी, 51 टाइप्स ऑफ रेखी उसमें से बाहर आई। और जैसे अब जो लोग हमारे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स बनते हैं तो हम लोग उनको आगे सिखाते हैं कि आपने कैसे अपने सिंबल्स बनाने हैं और अपने सिंबल्स को कैसे सिद्ध करना है। जब आप अपने सिंबल्स को सिद्ध कर लेते हैं तो आप अपनी पर्सनल भी उस चीज के अंदर उसको रेकी के रूप में बना सकते हैं। तो ये धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो उसी में से हमारा करुणा रेकी है। करुणा रेकी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल रेकी होती है। इसमें हमारे लेवल 3 के भी सिंबल्स आते हैं, लेवल 4 के भी सिंबल्स हम उसमें यूज करते हैं, प्लस हम उसमें और भी हमारे जो हमारे अपने बनाए हुए सिंबल्स हैं हम उसमें वो भी यूज करते हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको कौन कौन से सिंबल्स को यूज करना है वो सारे सिंबल्स हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। टोटल हमारे सिंबल्स इस कोर्स में हमारे 25 सिंबल्स रहेंगे। नॉर्मली हम जैसे अगर आप करुणा रेखी अगर आप लोगों ने कहीं से सीखा होगा तो 8 या फिर 9 सिंबल्स आपको प्रोवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 25 सिंबल्स को आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो करुणा रेखी होता है इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही हाई पावर पर हम इसको करते हैं। नॉर्मली ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने लेवल 1 नहीं करा हुआ, लेवल 2 नहीं किया हुआ तो क्या हम रेकी करें, या लेवल 1 और 2 करने के बाद ही हमें रेकी करनी चाहिए। देखो नॉर्मली तो यही होता है कि आप लेवल 1 करें, लेवल 2 करें और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और फिर आप लेवल करुणा रेकी को आप सीखें। लेकिन जब आप यहाँ से हमसे सीखेंगे तो यहाँ पर हम आपको लेवल 1 के जो हमारे सिंबल्स होते हैं, लेवल 1 और 2 में हमारे 3 सिंबल्स आते हैं, चौकड़े सिंबल, सहेकी सिंबल और हॉन्चा जैसुने, तो यहाँ पर हम आपको वो भी सिखाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको आगे करुणा रेखी सिखाएंगे। ये सिखाने का जो हमारा मकसद है वो यही है ताकि जिन लोगों ने लेवल 1 या लेवल 2 नहीं किया वो भी करुणा रेखी को सीख सके और उसको यूज कर सके और उसके बेनिफिट्स अपने जीवन में ले सके। बाकी आप कुछ भी हीलिंग मोडालिटी करते हैं उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो उसका कोई यूज नहीं है, चाहे आप उसको सीखें या फिर आप उसको ना सीखें। क्योंकि बहुत सारी ये क्वेरीज आती हैं या बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि अगर आपने लेवल 1 और 2 को करा है फिर आप उसके अंदर 6 महीने का प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप करुणा रेखी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, आपकी इंटरनल पावर्स के ऊपर होता है, और आपकी इंटरनल पावर्स तभी इंक्रीज होंगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी, आपकी साधना, आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, एक एक सिंबल के साथ आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब आप एक एक सिंबल के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पावर्स इनहांस होनी शुरू हो जाएंगी। और ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आपको 6 महीने की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये डिपेंड करता है सिर्फ आपकी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के माध्यम से हम 25 सिंबल्स को हम सीखेंगे, प्लस हमारे पास रेगुलर हमारे मेडिटेशंस होंगे और मेडिटेशंस के अंदर हमारी जो कार्मिक इश्यूज हैं हम उसको रिमूव करेंगे, अपने कार्मिक इश्यूज को, अपने फिजिकल इश्यूज को, मेंटली इश्यूज को, हेल्थ के इश्यूज को, इन सब पर हम अपना काम करेंगे। सबसे ज्यादा हम अपने ऊपर काम करेंगे क्योंकि अगर हमारा जो कप है वो भरा हुआ होगा तो ही हम दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं।
अगर हम अंदर से भरे हुए होंगे, अगर हमारे पास सारा ज्ञान होगा, हमारी पावर्स अच्छी होंगी, हमारा कॉन्फिडेंस होगा, तभी हम दूसरों को वो चीजें सिखा सकते हैं और दूसरों की जिंदगी को भी बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने खुद के जीवन को बदलना होगा। अगर हम अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे तो फिर हम दूसरों के जीवन को भी नहीं बदल सकते। तो इस कोर्स के माध्यम से हम रेगुलर प्रैक्टिस, हमें ज्यादा से ज्यादा, हमने जो भी हमारी क्लासेस होती है मैं उस पर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करवाने पर जोर देती हूँ। क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं से भी ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, या कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल की जरूरत है। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपकी पावर्स इंक्रीज होंगी, और जब आपकी पावर्स इनहेंस होगी तब आप उस एनर्जी को समझ पाएंगे। अधिकतर यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो जरूर इन चीजों से, वो इन चीजों के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी इस तरीके से बोल रही हूँ कि कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को प्रैक्टिस, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो उन एनर्जीज को फील नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल होना, बहुत प्रैक्टिकल काम करना बहुत जरूरी है। किसी भी हीलिंग मोडालिटी के अंदर बहुत सारे हमारे पास, हम इस कोर्स के माध्यम से माइंड पावर एक्सरसाइजेस करेंगे, प्लस हम वर्कशीट्स करेंगे। वर्कशीट करने का और जो एक्सरसाइजेस करने का जो हमारा मकसद है वो यही रहेगा, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रिपेयर हो जाए हीलिंग करने के लिए, ताकि हमारी जो हीलिंग्स है वो हमारी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर हमारी हीलिंग स्ट्रांग होंगी तो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, और जब हमारे सामने रिजल्ट आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और तभी हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो 25 सिंबल्स हम इसमें सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पून फीडिंग का कोर्स है। ये स्पून फीडिंग का कोर्स नहीं है। इसके लिए आपको खुद पर्सनली बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ये कोर्स को करते हैं। ये नहीं कि जो आपको सिखाया आपने बस वही वही करते गए, नहीं, उसके ऊपर आपको खुद काम करना पड़ेगा। एक एक सिंबल के साथ हम लोग जो उसके पूरी अच्छे से उसके साथ अपना जो कनेक्शंस बनाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो मैंने बोला कि हम लोग वर्कशीट्स करेंगे या माइंड पावर एक्सरसाइज करेंगे, तो वो करने का जो मकसद है वो यही है कि एक एक सिंबल के साथ हमारा कनेक्शन बन जाए। और जब हमारा उनके साथ कनेक्शन बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एनर्जीज इनहेंस होंगी, तो हम अपने आप को ग्रूमिंग करेंगे। तो हमें अपने आप को ग्रूम करना है। अगर हम अपने आप को बेहतर करेंगे तभी हम बेहतर से बेहतरीन जीवन जी पाएंगे और दूसरों को भी बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। कहते हैं ना कि जब हम कुछ नहीं करते तो हम हमारे जीवन के एक एक पल को गवाते हैं। हाँ, 3 लेवल्स में डाइकोमियल सिंबल आएगा इसके अंदर। हाँ आएगा, ठीक है। तो बेहतर से बेहतरीन करते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपने जीवन का एक एक पल को गवा रहे होते हैं। जीवन के एक एक पल को गवाने का मतलब है कि हम हर एक पल अपने आप को सड़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम एक एक पल अपने आप को सड़ा रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें, हम ये मोडालिटी को सीखेंगे तो हमें इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, इसको अपनी जिंदगी में लेकर आना है, ताकि हम इसकी एनर्जीज को समझ पाए। क्योंकि जो करुणा रेकी है वो मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेकी है। इसके अंदर बहुत पावरफुल हीलिंग्स होती हैं। एक एक प्रॉब्लम के साथ आपको हर एक सिंबल का यूज करना यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो कि मैं आपको उसी रेकी में भी हम लोग वो सब सीखते हैं, लेकिन करुणा रेकी उससे ज्यादा, क्योंकि वहां पर हमारे पास पूरा एक लेवल होता है, लेवल 1 2 3 4 5, उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। यहाँ पर हम एक उस सिंपल उसके एक पार्ट पर काम करेंगे। जो भी हम रेकी, जो हम सारी उस सही रेकी में से जो हमारी रेकी बाहर निकलती हैं, जो हम निकल बनाते हैं, जो मास्टर्स बनाते हैं रेकी, तो वो एक एक सिंबल को सिद्ध करते हैं। और जब वो उन सिंबल्स को सिद्ध करते हैं तो उनपे मोस्ट, उसमें पावर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। और आप उसके एक एक पार्ट पर, आप देखिए, अगर आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, आप एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, एक टीचर जो है वो सारे बच्चों को बराबर पढ़ा रही है, सारे बच्चों को सेम काम दे रही है, चैप्टर करवा रही है। अब जब हम घर आते हैं उसमें से कुछ बच्चे तो अच्छा कर पाते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, या जो बच्चे अच्छा कर पाते हैं अगर हम उनको भी ट्यूशन पे भेजते हैं, और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको हम एक्स्ट्रा स्टडी करवाते हैं,
ट्यूशन पे जाते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम प्रॉपर काम करते हैं, तो नेचुरल है ना कि उस पे हमारी पावर बनती है, हमारी पकड़ आती है और हम उसको अच्छा कर पाते हैं। तो ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ रेकी होते हैं, ये सारे उसी रेकी में से निकले हुए हैं, और इन सब पार्ट्स को हम एक एक जब हम कोर्स को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उस पार्ट पर, सिर्फ उस पार्ट पर ही फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत ही पावरफुल रेकी है।